हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत की पनीर की सब्जी, शाही पनीर। लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिलने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये व्रत की सब्जी कैसे बनेगी, बहुत ही टेस्टी। यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून जीरा, 2 चम्मच लाइट ब्राउन होने पर मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और एज पर टेस्ट। और अब मैं इसमें डालूंगी दही और क्रीम, जो मैंने आपस में फैट ली थी, 1/2 कटोरी दही और 1/2 कटोरी क्रीम, क्योंकि व्रत में, नवरात्रों के व्रत में हम टमाटर का यूज़ नहीं करते हैं। सो हम इसकी ग्रेवी क्रीम और दही से बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा हल्का ही खाना है तो क्रीम और दही से बनाइएगा ग्रेवी, वरना आप इसमें काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हमारी ग्रेवी पीनट से भी बन सकती है और मगज से भी बन सकती है, मगज के बीज को पीस कर वैसे भी बन सकती है। थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सौंफ पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो इस टाइम हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और एज पर टेस्ट। वन फोर्थ स्पून चीनी के दाने, 1/4 चम्मच इसमें डाली है और इसकी क्या क्वांटिटी है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने इसमें सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा पकने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पनीर। तो देखिए मैंने ये इस शेप में काटा हुआ है। अगर आपको पानी की नीड लग रही है इसमें तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। थोड़ी देर पकने देती हूँ मैं इसे। ये हमारा थोड़ी देर पकाने के बाद पनीर बनकर तैयार है। थोड़े से हरे पत्तों से गार्निश करने के बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिएगा कितना अच्छा पनीर बना है, बहुत ही टेस्टी पनीर बना है। आप घर में ज़रूर ट्राई करना। देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है,
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके व्रत की पनीर की सब्जी कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।